ये ग्राम गोपालपुरा में अमर सिंह जी के यहाँ पे, ये नागिन आई। तो ये नागिन ऊपर भगवान नुकसान नहीं तो ये ग्राम गोपालपुरा में अमर सिंह जी के यहाँ पे ये नागिन आई हुई थी। तो ये नागिन भोजन की तलाश में थी, तो इसका मेंढक और चूहा, ये मेंढक और चूहा खाते हैं और गौरिया छिपकली खाता है। तो भोजन की तलाश में थी ये, तो इसको भोजन नहीं मिला, इसके पेट में कुछ भी नहीं है अभी तक, कुछ नहीं मिला इसको, भूखी है। लेकिन कल नागपंचमी थी, इधर से बहुत अफरा तफरी मच रही है, क्योंकि कल नागपंचमी से असली असली नाग आते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, असली पोगरी नागिन। ये कभी काट ले आदमी को, गाय भैंस बैल बकरी किसी को, तो 10 से 15 मिनट की 14 मिनट की अवधि में भगवान के घर मेहमान बना देते, क्योंकि एक आंसू का बूंद गिरे एक आदमी के लिए काबू कर लेती। वैसे तो इसके मुंह के अंदर इतना जहर है कि 15,000 आदमी खत्म कर दे, इतना जहर एक बार में, इतना जहर है इसके अंदर। पर लेकिन नारायण अपनी रक्षा करता है, नारायण कभी गलती नहीं करता, गलती करते हैं अपन, फिर भी बचाव करता है। जैसे तो कोई उल्टा सीधा काम करे, भाई 5 लाख लागे 10 लाख लागे तो गांव वाले जाकर के तोड़ करके ले आते हैं, कोई भी होगा तो तोड़ कर लेते हैं। पर लेकिन इनसे तोड़ कोई नहीं करना, इनसे तोड़ करने वाला तो नारायण ही होता है, दो अगरबत्ती में कर देगा। एक तो काला धमने वाला, काला कपड़े पहनने वाले, मांस मदिरा खाने वाले, ऐसे वैसे औरतें पास में मत जाओ। तंतकाल मेरे फोन लगाओ ताकि आपको रात मिलती रहेगा। आदमी को दिखने के होने के बाद में क्या होगा कि रात मिलती रहेगा। तंतकाल मेरे फोन लग गया तो यूं समझ लो कि नारायण ने अच्छा ही कर लिया, क्योंकि इसका तोड़ करने वाला नारायण है। वैसे तो इसको रात में भी दिखे, दिन में भी दिखे, रात में भी चले, इसको रात को और दिन को इसके आंखों के अंदर उजाला है, अपन को अंधेरा रहता है, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं करते हैं। तो ये नागिन का काम इतना जोर रहा है कि मुंह लगाने के बाद में नारायण मुंह नहीं लगाता। औरत की जात होती है, उसकी थाली के अंदर जूठा मुंह नहीं लगाते हैं नारायण। अपन तो कौन सी भी औरत होती है उसके पास में कुछ भी कर लेते हैं, इन्हें खा लेते हैं, उसके औरत के साथ में खा लेते हैं, भोजन सब कर लेते हैं, वह नारायण कभी उसकी थाली में मुंह नहीं लगाता, क्योंकि इसकी आयु बहुत लंबी होती है, 3,500 वर्ष की उम्र होती है।